Press the bell icon of the e-Pathshala channel and never miss another update. हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पर। मेरा नाम है भारती और मैं आप सभी को फिजिकल एजुकेशन चैप्टर टू का पार्ट सेकंड करवाने जा रही हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने करा था चैप्टर टू स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का पार्ट वन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे बैलेंस डाइट होती है, क्या क्या चीज़ें हमारी जो होती है न्यूट्रिशन के अंदर कवर होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। हमें इन सारे हैंडल्स पर ज्वाइन करें। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? तो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो विटामिन्स, मिनरल्स, सेकेंडरी प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। मतलब कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन्स क्या होते हैं। जैसे कि आप इमेज देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं जो विटामिन्स के सोर्सेज हैं। तो विटामिन्स ऑफ कार्बन के कंपाउंड होते हैं, विच आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी जो भी नॉर्मल ग्रोथ होती है और वर्किंग बॉडी होती है कि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। इनकी ये नहीं होता कि विटामिन हमें बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, इनकी बहुत छोटी मात्रा में अगर हम इन्हें अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से ही काम कर सकती है। तो ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादातर कि आपको बहुत ढेर सारे विटामिन्स एंड सारी चीज़ें लेनी है। आप छोटी छोटी चीज़ें लीजिए, कम खाइए, पर जो भी खाइए वो इतना हेल्दी होना चाहिए या फिर इतने प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए। मतलब कि क्वांटिटी और क्वालिटी जो भी होती हो उसकी बेस्ट होनी चाहिए। तो मैनी ऑफ देम कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर मंथ्स और ईयर्स। विटामिन्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आज खाया और आज ही वो पच गया, ऐसा नहीं है। डाइजेस्ट इतनी जल्दी नहीं होता। ये कई बार विटामिन्स जो हैं महीनों के लिए या फिर सालों के लिए भी हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, बट अदर्स नीड टू बी फ्रेशली एब्जॉर्ब्ड एवरी डे। बट कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने बाकी चीज़ें पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी चीज़ें, तो उन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है कि हर दिन हमें फ्रेश मिलता रहे। बट जो भी विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में मंथ्स और इवन ईयर्स तक स्टोर रह सकते हैं। सो आगे करते हैं कंटिन्यू। दो टाइप के विटामिन्स होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका फैट सोल्यूबल और एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन्स, द विटामिन्स दैट आर कंपोज्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो कि कंपोज रखते हैं, मतलब अपने अंदर इंक्लूड रखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड आर सोल्यूबल इन सच विटामिन्स, और इन विटामिन्स के साथ वो सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं। विटामिन ए के साथ घुल जाते हैं, विटामिन डी के साथ घुल जाते हैं, विटामिन ई के साथ घुल जाते हैं एंड विटामिन के साथ घुल जाते हैं। मतलब कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और ये सोल्यूबल होते हैं फैट्स के साथ। फैट में ये बड़े अच्छे तरीके से घुल जाते हैं, किस में, विटामिन ए में, विटामिन डी में, विटामिन ई में एंड विटामिन के में। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं, द विटामिन्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन इंक्लूड होता है, सल्फर इंक्लूड होता है एंड आर सोल्यूबल इन वाटर, और जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसके एग्जाम्पल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये हो जाते हैं, और विटामिन सी में, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी में ये बड़ी जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, और इनके अंदर कंपोज्ड होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो आप ये इमेज भी देख रहे होंगे, इसमें अलग अलग विटामिन्स, हमारे बहुत से ढेर सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B5, B6, तो ये सारे वो विटामिन्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है इन सारे विटामिन्स की। तो बेशक से थोड़ी थोड़ी मात्राएं में ये सारे विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाएं, पर जाते रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मिनरल्स, कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें नेक्स्ट क्या आता है हमारा मिनरल्स। तो मिनरल्स बेसिकली तीन टाइप में कंसिस्ट है, कैल्शियम, आयरन एंड पोटाशियम, सोडियम मैग्नीशियम एंड जिंक।
तो बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारी ग्रोथ ऑफ हेल्दी, जो हमारी हेल्थ की ग्रोथ होती है, टीथ्स होते हैं एंड बोन्स होते हैं, कैल्शियम इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो भी टीथ होते हैं उनका बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो कैल्शियम होता है। अगर कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में पाई जाती है तो ग्रोथ ऑफ हेल्थ हमारी रुक जाती है, टीथ हमारे स्ट्रांग नहीं हो पाते और बोन्स हमारी स्ट्रांग नहीं होती है। दूसरा आता है आयरन। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में भी हमें आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें आयरन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। जब ये चीज़ सर्वे करा गया तो पता चला कि बच्चों में आयरन की बहुत कमी है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर 6 महीने में आयरन की टैबलेट्स इशू करवाना शुरू करी, जिससे कि किसी बच्चे के अंदर आयरन की कमी ना हो। तो इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आयरन का यूज़ होता है वो बेसिकली इसलिए होता है कि वो क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंटेड इन नेचर एंड कैन बी मेड ऑफ वन एलिमेंट और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। सो जो मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं नेचर में, एंड ये एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में भी कंबाइन होकर पाए जाते हैं। बेसिकली ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। हमारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड बाकी के जो फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे 3, वो न्यूट्रिशन जो थे वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, बट जो अब हम पढ़ेंगे वो सारे हमारे क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। सो दे इंक्लूड कैल्शियम, मैंने ये आपको बता दिया कि मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर इंक्लूड होता है। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने ये दोनों पढ़े, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो इनके अलावा और भी हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट आयरन होता है। आयरन मैंने आपको बता दिया कि रेड ब्लड सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल होता है। सेकेंड हीमोग्लोबिन, वही होता है रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन के लिए होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया एंड सोर्स एनीमिया की बीमारी हो सकती है। अगर आयरन की कमी हमारी बॉडी में पाई जाती है तो एनीमिया हो सकता है। एंड सोर्स आर, इसके सोर्स क्या है, मीट, एग्स एंड ड्राई फ्रूट्स। मीट, अंडे और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो इसके सोर्स हैं कि अगर ये आप खाएंगे प्रॉपर तो आपको आयरन की कमी नहीं हो सकती। सेकेंड जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ्स एंड ऑल्सो फॉर क्लोदिंग ऑफ ब्लड। जो हमारे ब्लड इकट्ठा होता है या फिर जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा, इन सब की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको रैकेट्स की बीमारी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, तो इसलिए कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके सोर्सेज बेसिकली क्या होता है, मिल्क, एग योल्क, चीज़ एंड ऑरेंज, ये सारे इसके सोर्स होते हैं। अगर आप ये खाएंगे तो कैल्शियम की बीमारी बहुत, मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। थर्ड आता है हमारा फॉस्फोरस। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जो हमारा कैल्शियम का था वो था स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ और क्लोदिंग ऑफ ब्लड। तो फॉस्फोरस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए एंड टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में एनर्जी भी बनाता है। तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके सोर्स होते हैं एग, मीट, अनपॉलिश्ड राइस। पॉलिश्ड चीज़ें तो वैसे भी कोई भी नहीं खानी चाहिए, तो अनपॉलिश्ड जो राइस होता है वो खाने से फॉस्फोरस की कमी जो है वो मिट सकती है, इसके सोर्सेज हैं। पोटाशियम, नेक्स्ट है हमारा पोटाशियम। पोटाशियम इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ एंड कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी, हमारे सेल्स के लिए, कि सेल्स जो है उनकी कमी ना हो। अचानक से क्या होता है, कभी सुना होगा आप लोगों ने डेंगू वेंगू में क्या होता है, हमारी सेल्स की जो काउंटिंग होती है वो बहुत तेज़ी से गिर जाती है। तो सेल्स की कमी ना हो, सेल्स को कीप रखना, ग्रोथ हमारी जो होती है, ब्लड हेल्दी रहे, इन सारी चीज़ों के लिए पोटाशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपकी मसल्स जो हैं वो वीक हो सकती हैं बॉडी की। और इसके सोर्सेस जो हैं वो हैं कैरेट, बीटरूट, ऑनियन, टमाटो, ऑरेंज, मैंगो। तो नॉर्मली जो फ्रूट्स हैं वो आप अगर खाएं तो आपको पोटेशियम की कमी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा सोडियम, सोडियम जो है वो भी माइक्रो न्यूट्रिशन है। तो सोडियम, इट इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग
ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सोडियम की कमी होती है तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो सकती है। तो इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके सोर्स मिल्क है, दिमाग तेज करना है तो दूध पिए, मिल्क प्रोडक्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मिल्क प्रोडक्ट खाते पीते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। मीट एंड एग्स, एग्स तो हर चीज़ का सोर्स है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर आप एग्स इनटेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा आयोडीन आता है, इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर थायराइड फंक्शन। जो हमारे थायराइड फंक्शन होते हैं उनके लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हो जाता है। तो आयोडीन की कमी अगर होती है तो थायराइड फंक्शन हमारा काम करना बंद कर सकता है एंड थायराइड की बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसकी डेफिशिएंसी से हमें गोइचर होता है, इसकी डेफिशिएंसी से गोइचर हो सकता है। सोर्सेज इसके हैं सी फूड एंड सॉल्ट। अगर आयोडीन की कमी होती है तो सॉल्ट खाइए, आपके आयोडीन की कमी मिट जाएगी। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन की, फ्लोरीन क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक द एनिमल मतलब पॉलिश ऑफ द टीथ। जो हमारे टीथ की चमक होती है और जो हार्ड होते हैं हमारे टीथ, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक घुसा मारे तो वो टूट जाए, हमारे टीथ ऐसे नहीं होते हैं। तो जो टीथ की पॉलिश होती है और जो टीथ हमारे हार्ड होते हैं एंड ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब डेंटल कैरियर्स होते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, तो फ्लोरीन उस चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कॉपर, इट इज़ हेल्पफुल इन रेड ब्लड सेल्स। जो कॉपर होता है वो हेल्पफुल होता है रेड ब्लड सेल्स में, कनेक्टिंग टिश्यूज एंड नर्व फॉर्मेशन में यूज़ होता है एंड फंक्शनिंग। नर्व फॉर्मेशन एंड टिश्यूज फॉर्मेशन में और फंक्शनिंग में, नर्व फंक्शनिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो है बेसिकली वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा नर्व सिस्टम काम ही नहीं करेगा तो हम वैसे ही हमारी आधी बॉडी तो वर्क करना ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जिंक, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए जिंक जो इम्पॉर्टेंट होता है एंड ऑल्सो फॉर फंक्शनिंग ऑफ मेल प्रोस्टेट। जो मेल प्रोस्टेट्स होते हैं उनके लिए भी जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन जो प्रोसीजर होता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए जिंक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, ये तो था कि जितने भी हमारे और ज़्यादा न्यूट्रिशंस थे उनके बारे में पढ़ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपको चीज़ें समझ आई हो। हमें इन सारे हैंडल्स पर ज्वाइन करें, थैंक यू। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।